क्या बात है, शुक्रिया। मैं जदों ब्याह ते जदों मैं ब्याह ते जदों मैं पैसे सुटने किन्ने चुके हैं? ज्यादा चुके गए? नहीं, मैं जदों तुहानूं कहा ही वापस करने ते एक बंदे ने वापस नहीं किए। मुबारक होए तैनूं। खैर मुबारक। भाभी नूं माशाल्लाह सोहना रूप चढ़िया है ना। हाँ, लगदा पिछले ब्याह दे कपड़े पाए ने। ओए तेरा दिमाग ठीक है तेरा? पिछले ब्याह दे नहीं, जरा सवार के धोते ने। हां नहीं, नवे ने, नवे ने। मैं तुहाडे वड्डे वड्डा होण दे नाते तुहाडा भरा भाभी दे गोडे ते बैठना। क्यों, इहदा टुट गया? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਗਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮੀ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦੀ। ਐ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ। अच्छा, तू लेती शक्ल वेखो, विआह वाले दिन भी रूप नहीं चढ़िया, करजा ही इन्ना चढ़िया। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਮੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਜਾਜ਼ ਇਜਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਥਾਪੀ ਫੜਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਡਾ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਥਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਸਲੀ, ਹਮਾਰੀ ਰਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। इजाजत है? जी अब्बा जान, इजाजत आपने देनी है। हमें पता चला कि मुल्क के फनकार कुछ ना कुछ यहाँ पर पेश करना चाहते हैं हमारी शादी की खुशी में, तो क्यों ना सबको दावत दी जाए और इनामों इकराम से नवाजा भी जाए। फनकारों को पेश किया जाए। लोक फनकार हाजिर हो। मस्त लहन दो जी। जान की मान पाऊं तो बादशाह सलामत कुछ सुनाऊं? अपने म्यूजिक पे कंट्रोल किया जाए। बेटा ब्याह ते गए हैं तो सारे रज के खाना खाधा है। हां, अच्छा जी, तेरी मेहरबानी है, कंट्रोल करना। ठीक है जी। और बताती इनू हल्का जा काला साबन दियो, ये ठीक हो जा। लैचियां रखिया कर म्यूजिक दे नाल। सिरप इतनी क्या पूपू दे नाल रखी है? मलिका, आप पूपू ना कहें, आज आपके मुंह से पूपू और पूपू हो जाती है। मलिका जी, आप अंदर चली जाए। ओ क्या है आप? क्यों? जिथे बैठी सीधी वहां पैंदी। ये मलिका को अंदर क्यों भेज दिया? बादशाह सलामत उसका पहला गाना है। ओ मनो ना मनो है मुंडा लीक जे। मुंडा लीक नहीं होता, डोंगा लीक होता है। हाँ। आपको हल्की हल्की हवा आ रही है। हूं आई हो मेरे को भी लगी। बेटा कोई जरूरी नहीं कि दिल ला के गाना। जी जी, ठीक है ना। अच्छा जी, आ कोई एडा नहीं कोई ओना नाम देना के पिछो कोई जगह छड़ भी दई दी। अच्छा जी। हां, हमें बहुत खुशी हुई, तेरी मेहरबानी है। हमें फिर बहुत ज्यादा खुशी हुई, फिर कभी ना आना, फिर किसी दिन आना। ठीक है ना? ठीक है भाई। लो जी, एदा हुण ऑडियो जी सुनांगे। हां ठीक, एदा वॉल्यूम नंबर 3 आ रहा पू। ये इतने चीखे क्यों मारता है? इन्हें ना थलो कच्चा गंदा पाया। खैर,
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ पता ना मैं पता चला कि अगला फनकार जो है वो शायर है और हमारी शादी के ऊपर कुछ शायरी करना चाहता है बेशक उसे हाजिर किया जाए शायर हाजिर हो चल काका बाहर चल क्यों वो कहता मैं शायर ही नहीं तो फायदा हजूर कलाम अर्ज किया है अच्छा अच्छा कलाम है ये कलाम पेश करो लेकिन हमारे साथ कलाम ना करना अदाब 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 अच्छा सलामत मैं आपके घर वाले बुला लाता हूँ हजूर हमें मालूम हुआ है कि इस महल में शरारत शरीफ की शादी के शादियाने बज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उन शादियाने में अपने अशार का इजाफा करने की इजाजत चाहते हैं हमें खुशी होगी इजाजत है बहुत शुक्रिया अलम बना अगर बंदे की शायरी और अशार आपको पसंद आए तो हमें इनाम और कलाम से नवाज दीजिएगा वरना अपनी तलवार से हमारी गर्दन उतार दीजिएगा शहजादे गर्दन लाम तो पहले ना गर्दन ते हल्का या साबन ला लेना आराम ना उतर जाएगी धोन लानी है कोई गोल गले वाली जर्सी नहीं लानी हजूर आपकी जान में अशार अर्ज करूं आप शेर पेश करेंगे नहीं ये भैर पेश करेगा मैं लगता चलो जी हजूर इजाजत है इजाजत शुक्रिया आपको इजाजत है हजूर शेर पसंद ना आए तो हमारी गर्दन उतार दीजिएगा ऐसा ही होगा मेरी बात हमें याद है मिर्जा गालिब बड़ा शेर जे बड़ा बड़ा तीन घंटे का नहीं सर बड़ा शेर है जी अर्ज क्या है आप हुक्म करें क्योंकि हम आपके कर्जे ही हैं जी हजूर अर्ज क्या है कि एक दिन मिर्जा गालिब अपने घर के बाहर बैठ के आम खा रहे थे तो एक रागीर पास से गुजरा उसने मिर्जा साहब को देखा और कहा कि मिर्जा साहब गधे आम नहीं खाते मिर्जा साहब ने उस रागीर को देखा और कहा जी हाँ हम देख रहे हैं गधे आम नहीं खाते इस वाक्य का हमें पता है आप शेर सुनाइए जी शेर से याद आया अर्ज किया है अगर शेर पसंद ना आए तो मेरी गर्दन उतार दीजिएगा जी जी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह जी अर्ज क्या है एक दो मिर्जा साहब कहीं जा रहे थे तो एक रागी ने पूछा मिर्जा साहब कहाँ तशरीफ लेके जा रहे हैं तो मिर्जा साहब ने कहा घर वाले शादी में गए हैं सोचा बाहर से खाना खा के आऊं इस बात का हमें पता है शेर सुनाया जाए जी शेर सुना गल्ला ना सुना भैड़े मुंह वाले जी आलमना अब शेर पसंद आए तो इनाम दीजिएगा वरना हमारी गर्दन उतार दीजिएगा अब मिर्जा साहब ओए हेलो तेरे मन नहीं सिर्फ मिर्जा ही रहना है किसी और दे मथे भी लग शायर बदल लेते हैं बदलना फराज वाह वाह फराज बड़े लोग किधर ले जाने इन नाल जी फराज साहब फरमाते हैं एक दो फराज अपने दोस्तों के साथ काली तशरीफ लेके जा रहे थे क्या कर लिया तो उन फराज घर आएगा किधर नहाए तो होएगा फिर शेर होएगा जी आप किससे सुना रहे हैं जी जी मैं अशार पसंद मैं पेश कर रहा हूँ अशार शेर पसंद है तो इनाम दीजिएगा वरना गर्दन उतार दीजिएगा जी जी अपनी ईमानदारी ना दसी तू सिर्फ घरों तो हूं लगा आया ना लगता तू शेर नहीं सुना जिदे कपड़े नहीं ना वापस अब जान जैसा भी था अच्छा था मोदी धोन लाई तो उठ के तुर पे अच्छा आओ आप फिर आ गए मैंने कहा था जिस दिन आपकी बारात होगी मैं आपसे जंग करूंगा आप और जंग हाँ आप जानते जंग कैसे होती है और मैं अपने साथ जंग का सामान भी लाया हूँ कौन सा सामान ये सामान
क्यों दिखाया जाए? तेन क्या जंग किसी टाइम भी लग सकती, कोई 1000-1200 जुत्ती मंगा लो, गुजारा तो अपनिया भी मार गए। मैं तो सेव करा जा। शहंशाह बादशाह सलामत, जुतियां खा रही हैं, आओ खाना खाइए। आइए, जुतियां के बाद खाना बहुत अच्छा होता है। इनिया जुतियां खा के भी नहीं रहते। आपको खुशी हुई हमारे साथ शादी करके? जी। हमें भी बहुत खुशी हुई, आप हमारी सनम हो चुकी हैं।